नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। नाभा के गांव रनो में पत्नी ने 3 साथियों सहित मिलकर पति की हत्या। पुलिस ने चारों आरोपियों को किया गिरफ्तार। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने अंतरराज्यीय नशा तस्कर गिरोह के 4 सदस्यों को किया काबू। 3,63,800 नशीली गोलियां और 4 लाख की ड्रग मनी की बरामद। डेरा प्रमुख समर्थक कत्लकांड में एसआईटी ने नाभा नई जिला जेल का किया निरीक्षण। 1 घंटे तक की कत्ल के कारणों की जांच। पति पत्नी का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है, जिसमें पत्नी और पति एक दूसरे के साथ फेरे लेकर जन्मों जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाते हैं। लेकिन यह सारी कस्में उस समय धरी की धरी रह गई जब नाभा में एक पत्नी द्वारा अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक नाभा ब्लॉक के गाँव रनों में प्रभजोत कौर नामक एक औरत की सोशल मीडिया के जरिए दुबई में बैठे कुलदीप सिंह नामक एक व्यक्ति के साथ प्यार हो जाता है और जब वह पंजाब लौटता है तो कुलदीप सिंह अपने 2 साथियों के साथ मिलकर प्रभजोत कौर के पति जसबीर सिंह का कत्ल कर उसकी लाश को नहर में फेंक देता है। वहीं जब पुलिस इस मामले की जांच करती है तो पता चलता है कि जसबीर सिंह का कत्ल उसकी पत्नी और उसके 3 साथियों द्वारा किया गया, जिसके बाद पुलिस द्वारा धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। कुलदीप सिंह जो कि डबई तो आया, वासी चंबाली सानी, उहदा एक साथी प्रदीप सिंह ते उहदा एक साथी बूटा, जिन्हां ने इस मरण वाले जसवीर सिंह, जो कि जसवीर सिंह नूं इन्हां ने जसवीर सिंह दी वाइफ दे कहण ते, क्योंकि जसवीर सिंह दी वाइफ जिहड़ी प्रभजोत कौर आ उहदे इंस्टाग्राम दे थ्रू जिहड़ा कुलदीप सिंह डबई रहिंदा सी उहदे नाल रिलेशन बन गए सीगे, जाण पछाण हो गई। उह 12 दसंबर नूं वापस आया इंडिया, तो आन आके उन्होंने आपस उन्होंने मेल जोल किया, रिलेशन बनाई, तो उदों फिर उहदे जो मिसिंग परसन आ जसवीर सिंह उहदी वाइफ ने कहा भी मेरे जिहड़ा हसबेंड नूं इहनूं आपदा कंडा दूर करो। 2-3 बार ट्राई किए इन्होंने उन्होंने मारन वास्ते। फिर इन्हां ने 2 तरीक नूं शाम नूं उन्होंने नाल लिजा के दारू दूरू पियाई, तो सानीपुर जो नहर का किनारा जिते उत्थे उहदे गल 'च टक मार के उहदा उहनूं उहदे मोटरसाइकिल नूं नहर सुट्टिया। तो इनवैसटीगेशन टीम ने बड़ी मेहनत नाल उहदी जिहड़ी आ सारे तरीके नाल सबूत इकट्ठे किए, तो उन्हां खिलाफ़ जिहड़ा प्रभजोत उहदी मरन वाले दी घरवाली, उहदा फ्रेंड जिहड़ा कुलदीप सिंह, उहदा फ्रेंड अगे प्रदीप सिंह ते बूटा सिंह दे खिलाफ़ जिहड़ा 302 IPC दा परचा दर्ज थाने पास हो कीता। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने नशे के एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है, जिसके तहत थाना ए डिवीज़न की पुलिस ने पहले 3 आरोपियों को काबू कर उनसे लाखों नशीली गोलियां और ड्रग मनी बरामद की थी, जिसके चलते अब पुलिस ने इसी नेटवर्क को तोड़ते हुए गत दिवस 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 3,63,800 नशीली गोलियाँ व 4 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की है। पुलिस ने इन चारों आरोपियों को बिहार से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान संजीव अरोड़ा निवासी विकासपुरी नई दिल्ली, नितिन कुमार निवासी रोहिणी दिल्ली, ऋषि कुमार और राजन कुमार दोनों निवासी बिहार के तौर पर हुई है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी कई खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। फार्मास्यूटिकल ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਚਾ 21/12/22 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 305 ਨੰਬਰ ਏ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 29,000 ਫਾਰਮਾ ਡਰੱਗਸ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਫੋਲੋਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ 2 ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਇਰ ਸੀਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਫਾਰਮਾਸੂਟੀਕਲ ਡਰੱਗਸ ਬਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡਰੱਗਸ ਮਿਲੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਓਨਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ
अरेस्ट भी किया। डेरा प्रमुख समर्थक बिट्टू कत्ल मामले में पंजाब सरकार द्वारा बनाई गई एसआईटी की ओर से नाभा की नई जिला जेल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान लगभग एक घंटा एसआईटी की टीम जेल में रही। एसआईटी की टीम कत्ल के कारणों की जांच कर रही है। एसआईटी में एडीजीपी ट्रैफिक एएस राय, आईजी पटियाला और एसएसपी पटियाला शामिल हैं। इस दौरान टीम ने मीडिया के साथ कोई भी बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। नाभा नगर कौंसिल की महिला प्रधान सुजाता चावला की ओर से पूर्व अकाली कौंसलर कुलवंत सिंह और उनके बेटे के खिलाफ मारपीट करने के दोष लगाए गए हैं। वहीं सुजाता चावला का कहना है कि पूर्व अकाली कौंसलर कुलवंत सिंह लगातार अवैध निर्माण कर रहे हैं और जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने हमला कर दिया। वहीं उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। दूसरी तरफ पूर्व कौंसलर कुलवंत सिंह के समर्थकों ने कहा कि प्रधान सुजाता चावला के पति पंकज पप्पू की ओर से गुंडागर्दी की गई है और उनकी तरफ से नींव को भरने को लेकर नगर कौंसिल नाभा की ओर से बिना कोई नोटिस दिए जेसीबी मशीन द्वारा नींव को हटाया गया, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि इस बाबत उन्होंने यहां धरना लगाया है क्योंकि पुलिस की ओर से पूर्व काउंसलर कुलवंत सिंह और उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया है, जो कि सरासर धक्केशाही है। वहीं सरकारी अस्पताल में उपचाराधीन प्रधान सुजाता चावला का हालचाल जानने पहुंचे नाभा के विधायक गुरदेव सिंह देवमान ने कहा कि नगर कौंसिल प्रधान सुजाता चावला और अधिकारियों के साथ कुलवंत सिंह द्वारा मारपीट की गई है, जिसके खिलाफ पुलिस को सख्त कार्यवाही करने के आदेश दे दिए गए हैं। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। ये पहली उसारी डीसी ओदी घट्टो घट्टे तीसरी उसारी सी जिहड़ी साडे नॉलेज विच सीगी, ते उहनू नोटिस भी बहुत बार भेजिया, साडी टीम किन्नी बार गई आ उहदे कोल, पर वह हमेशा साड़ी मतलब नगर कौंसल टीम नाल जेड़े भी साढ़े उत्थे मुलाजम जाते हैं उन्होंने गाली गलोच करके बड़ा ही मतलब बदसलूकी करके उन्होंने भेज दिंदा है। तो इस बार मैं खुद गई सी, नाल मेरे हसबैंड भी सी, मैं भी सी, नाल साढ़े ईओ साहब बिल्डिंग इंस्पैक्टर सारे मतलब मेरी नगर कौंसल टीम नाल सी। तो जो उत्थे गए तो उन्हें कुछ नहीं देखा, बस नाल दी नाल पहला जांदे ही मेरे हसबैंड दे थप्पड़ लगाया, तो जब मैं लड़ाई दे विच आई मेरे भी लगाया, तो धक्म धक्की भी की, तो मेरा ब्रदर भी नाल सी, मतलब उन्हें इट्टां भी सुट्टियां, उहदे मेरे ब्रदर दे भी सट लगी आ, नाल साडे सरकारी मुलाजम सीगे उन्हां नाल भी उन्होंने धक्म धक्की की आ। मंग मैं यही करदी हाँ कि मैं मौजूदा प्रधान होंदे सर दे ते नाले मेरे हसबैंड भी नाल सीगे, नाल सारी टीम सीगी, ते भी जो भी मेरे नाल बदसलूकी कीती है एक औरत होने के नाते और जो प्रधान होने के नाते कीती है, ते सख्त तो सख्त कार्रवाई हो। कि कुलवंत सिंह नाम का कोई बंदा जिहड़ा कि कई नजायज़ बिल्डिंगा की उसारी की हुई है, किसी का कोई नक्शा पास नहीं किया है, और जो सा जरा नगर कौंसल का स्टाफ उन्होंने नोटिस जाते हैं अप्रोच करते हैं तो उन्होंने भी धमकिया देंगे कि थोनू असी कोर्ट के खिंचा, तुम साड़ी बिल्डिंग जी ढा के दिखाओ। तो अज जदों कुछ नगर कौंसल के ईओ तो अपने जोड़े ने सुपरिटेंडेंट साहब वगैरह उत्थे गए तो इन्हों गाली गलोच किया, बदतमीजी ना पेश आए, इन्होंने फिर प्रधान साहब न फोन किया, सुजाता चावला जी उन्होंने हसबैंड उन्होंने ब्रदर वो भी चले गए, तो उन्होंने भी हथों पाई की जी, उन्होंने भी थप्पड़ थुप्पड़ मारे ने। यह बड़ी गलत गल है जी, बड़ी मतलब ना बर्दाश्त करन योग गल है कि यह कोई पुराना अकाली दल का कोई है जी, ये कोई अहदेदार कोई रहा हूँ तो नहीं अहदेदार, तो कई नजायज़ बिल्डिंगा की उसारी की है बिना नक्शा पास किए, और दूसरा कानून अपने हाथ से लै रहा जी, सरकारी मुलाजम जिहड़े नगर कौंसल के मुलाजम ने उन्होंने हथों पाई थप्पड़ मारे ने और गाली गलोच किया जी, ये बहुत मंदभागी घटना, और यदी कंप्लेंट कर दी गई है जी, और मैं एस एस पी साहब ना भी गल की है, तो जिहड़ा उस संबंधित व्यक्ति है उहदा मुंडा वो अरैसट कर ले गए है। नाभे का कोई प्रधान नहीं, तुसीं थां थां जाके उन्हां दीआं पहले भी रिपोर्टां लैके आए हो, वो आप खुद असां तां इह नहीं पता लगदा वी किहने बणाता हो प्रधान, कोई प्रधान नहीं। मसला असीं इक प्लाट दीआं नीआं भर रहे थे, साडे बंदे पुलिस नूं बुला के जी ढहा के उहदे नीवां ढहा के साडे बंदे अंदर कराते ने, बाप बाप उत्ते दोए बाप ते बेटा उहदा, उह गल सानूं इह कहिड़ी दादागिरी है जी, वी साडिआं पुलिस फट के लै जे बंदा, साढ़े गलों मकान भी ढाहे जाण, वो न्यू ढा गया जी, वो नोट्स दिता कोई हाँ ना कोई नोट्स नहीं सानू दिता, असी लिख के जरूर दिता थी उन्होंने भी सानू जे न्यू तक कोई साड़ी थोड़ी बनती है फीस बनती असं जमा कराने तैयार हाँ। अपने नगर कौंसलर नाभा के प्रधान से इन्हों की टीम से ना अपने कंध कुंधा दिशारी रोपण गए थे तो उत्तर जोड़े कुलवंत फर्नीचर है उन्होंने कोई झगड़ा होता कि मामला कोई दर्ज होया अजे मामला बयान लैन ले आएंगे उस बाद
ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਹਾਂਜੀ ਕੀਤੀ। निहंग सिंह जथेबंदी तरना दल के मुखी बाबा गज्जन सिंह की रहनुमाई में चल रही सीबीएसई संस्था श्री गुरु हरगोबिंद पब्लिक स्कूल मल्लियां जंडियाला गुरु में लोहड़ी का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल पलविंदर पाल सिंह ने कहा कि लोहड़ी का त्यौहार सांझीवालता का प्रतीक है और लोहड़ी का त्यौहार नवजन्मे बच्चे की खुशी में मनाया जाता है। हम सबको लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं रखना चाहिए। इस मौके पर मैडम हरजीत कौर ने कहा कि लोहड़ी का त्यौहार पंजाब में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। वे पिछले लंबे समय से इसी तरह से यह त्यौहार मनाते आ रहे हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। इस मौके पर स्कूल विद्यार्थियों और अध्यापकों ने गिद्दा व भांगड़ा डाला और मूँगफली रेवड़ियाँ आदि भी बांटी। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। अज श्री गुरु हरगोबिंद पब्लिक स्कूल मल्लियाँ जो तो तरना दल की रहनमई हेठ चल रहा जथेदार सिंह साहब बाबा गज्जन सिंह जी इस दे मुखी हैं। सो अज असीं स्कूल दे विच लोहड़ी दा त्यौहार मना रहे हाँ। इहदा कारण इहो ही है कि बच्चों नूं दस्या जावे पुरातन समय च लोहड़ी किस तरह मनाई जाती सी जो हुण अलोप हुंदी जा रही है। सो इहो ही मेन कारण है जी अज दा दसण दा। सो इहदे विच नाल धीआं दी लोहड़ी जिहड़ी आ उह मेन मकसद साडा दसणा कि सारे देश वासियों नूं मैं इहो ही बेनती करदा कि सानू धीआं दी लोहड़ी खुशी खुशी मनाईए मनानी चाहीदी है तां जो बेटियां जिहड़ियां हन उह अज दे टाइम च सब तों वध बुढ़ापे दा सहारा हन अपने माता पिता दा। इस करके सो मेरा इहो ही बेनती है कि लोहड़ी आपां खुशी खुशी धीआं दी मनाईए क्योंकि हर बच्चा अपने भाग अपने नाल लै के आंदा है। अज मैं तेरे सामने पेश हुई हाँ साडे स्कूल में लोहड़ी सैलीब्रेशन में। साडे स्कूल से लोहड़ी सैलीब्रेट इस टाइम पर की जा रही है बड़े उत्साह नाल। सारे टीचर साडे प्रिंसिपल सर साडे 8 to +2 स्टैंडर्ड तक बच्चे इतने अवेलेबल ने। सो असं उन्होंने नाल लैके इंजॉय कर रहे हैं। लोहड़ी का त्यौहार पंजाब के त्यौहारों में काफ़ी बड़ा त्यौहार मनिया जाता है। पंजाब के माँ बंगला मुखी धाम नजदीक लंबा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक माँ बंगला मुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों ने नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार गौरी गणेश कुंभ पूजन माँ बंगला मुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमान हैरी शंकर शर्मा से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहूतियां डलवाई। वहीं इस यज्ञ में उपस्थित माँ भक्तों से आहूतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने उपस्थित माँ भक्तों को कहा कि अहंकार के प्रभाव में आने से मनुष्य का विनाश निश्चित है। अहंकार के कारण मनुष्य का बुद्धि व विवेक समाप्त होकर अपने पराये हो जाते हैं। संत महात्मा की शरण में आकर ही लोगों का कल्याण संभव है। तो वहीं उन्होंने कहा कि भक्ति के माध्यम से ही लोगों के जीवन का कल्याण संभव है। कल्याण नहीं होने से जीवन में भटकाव आता है और जीवन में भटकाव आने से जीवन कष्टकारी होगा। उन्होंने कहा कि मानव जीवन में शांति और स्थिरता हो उसके लिए नियमित रूप से सत्संग ध्यान को जीवन में उतारें। वहीं उन्होंने कहा कि ध्यान साधना के माध्यम से ब्रह्म की प्राप्ति भी होती है। इस अवसर पर श्री कंठ जज पवन विक्रम भसीन संजीव सौंधी रविंद्र बांसल प्रिंस कौंडल अनिल चड्डा रोहित भाटिया गौरव कोहली राजेंद्र कत्याल राकेश प्रभाकर बलवंत बाला रोहित बहल एडवोकेट राजकुमार मोहित बहल अशोक शर्मा विक्रांत शर्मा गोपाल मालपानी राघव चड्डा समीर कपूर अश्विनी शर्मा संजीव शर्मा मुकेश चौधरी संजीव सांवरिया मुनीश शर्मा यज्ञ दत्त रॉकी पंकज करण वर्मा राजेश महाजन संजीव शर्मा मानव शर्मा राजीव दिशांत शर्मा राकेश ठाकुर बलदेव सिंह साबी लकी सुनील जकी प्रिंस और प्रवीण सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। जो कि लम्मा पिंड चौंक के नज़दीक स्थित है माँ के इस भव्य मंदिर के श्रृंखलाबद्ध जिहड़ा हवन यज्ञ हुंदा है सप्ताहिक होया और बड़ी कड़ाकेदार ठंड और बहुत ज़्यादा धुंद के बावजूद भी बहुत दूरों दूरों संगतां ने आ के हवन यज्ञ के जिहड़ियां आहुतियां महामाई के निमित्त डालियां है।
माँ इदां ही अपने सारे बच्चों के उत्ते मेहर भरे हथ रखे सारिया दियां आसां मुरादा पूरियां करे। इहदे नाल नाल मैं लोहड़ी दियां विशेष रूप दे विच माघी दियां बहुत बहुत शुभकामनावां ते वधाइयां दिंदा कि महामाई अपना मेहर भरिया हथ सारे भगतां दे इदां ही रखे और सारे हवन यज्ञ दे विच इदां ही शामिल हो के अपने परिवार की घर परिवार की देश की प्रांत की सारिया की सुख शांति इदां ही मंगण ते माँ मेहर भरिया हथ रखे। ਗੁਰਪੋਰ ਸਿਟੀ 'ਚ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਪਤਾਹਿਕ ਹਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਮਾਂ ਪਗਲਾ ਮੁਖੀ ਧਾਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਗਲਾ ਮੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੱਸੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਜੈ ਮਾਂ ਪਗਲਾ ਮੁਖੀ। ਪਗਲਾ ਮੁਖੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹਮਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ। ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਓ ਜੀ। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से प्राचीन शिव मंदिर दमोरिया पुल जालंधर में साप्ताहिक मां बंगला मुखी हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें श्री श्री 108 स्वामी सिकंदर जी महाराज और गुरु मां नीरज रत्न ने विधिवत पूजा अर्चना कर आए हुए यजमानों से हवन यज्ञ में आहूतियां डलवाई। वहीं इस मौके पर विशाल शर्मा, वैभव शर्मा, पंडित चक्र प्रसाद जोशी सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनाद्विजमोक्षेमामृता स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनाद्विजमोक्षेमामृता स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनाद्विजमोक्षेमामृता स्वाहा। हार्दिक अभिनंदन, विशेष रूप में मेरे परम मित्र हरीश रोहता जी जो विशेष रूप में लखनऊ हरसरी से यहाँ पर तशरीफ लेके आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और साथ में हमारे चैनल फैमिली माँ भगवती के दरबार में अपनी हाजिरी दिखा रहे हैं और आप सब भी, आप सबको जो पहली बार आए हैं आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकें। और साथ में ही लोहड़ी का जो पवित्र त्यौहार आने वाला है उसकी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल के समधी नरेंद्र सिंह सग्गू, जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर गुरु चरणों में जा विराजे हैं, उनके आत्मिक शांति हेतु रखे गए पाठ का भोग एवं अंतिम अरदास गुरुद्वारा नौवीं पातशाही दुख निवारण साहिब गुरु तेग बहादुर नगर जालंधर में की गई। इस मौके पर रागी जत्थों ने वैरागमय कीर्तन कर स्वर्गीय नरेंद्र सिंह सग्गू की आत्मिक शांति हेतु अरदास की। इस मौके पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व ईडी अधिकारी अशोक मल्होत्रा, प्रिंस ग्रोवर, उद्योगपति नरेंद्र सिंह सग्गू, जगजीत सिंह गाबा, पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर कमलजीत सिंह भाटिया, पूनम बहल, विपिन बहल, पूजा बहल, राजेश बहल, तानिया बहल सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय नरेंद्र सिंह सग्गू को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। I'm not afraid of the dark.
कीर्तन रूप दे विच हुणे जो अंतला शब्द सरवण कीता छाट विडाणी तात मूड़े इहां बसना रात मूड़े माया के माते तैं उठ चलना राज रहो तू संग सुपना। ये शब्द शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित जप्यो दिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो। ऐसे दीन दयाल सतगुरु धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी होना की मुबारक रसना तो उच्चारण किया हुआ रामकली राग के अंदर धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन पवित्र अंग 899 के उपर सुभायमान है, जिन्हां पंक्तियां नूं टेक बना के वार वार दोहराया गया। महाराज इन्हां वचनां अंदर दो सानूं बख्शिशां करदे। विडाणी का अर्थ हुंदा है बेगानी। विनय शर्मा जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना सभा का आयोजन श्री गीता मंदिर मॉडल टाउन जालंधर में किया गया, जिसमें पंडित सोमनाथ पाठक ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय विनय शर्मा की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व विधायक सरबजीत सिंह मक्कड़, प्रिंस ग्रोवर सहित राजनीतिक धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय विनय शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। मानुष जोड़ी पदार बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से जोड़ा हमें प्रदान हुआ, इसलिए प्रभु का स्मरण करने के लिए नाम जपने के लिए और हम इसे जो भी गवाते चले जा रहे हैं। हमारे श्वासों की गति 21,600 बताई है, आने जाने का, लेकिन हम एक एक श्वास इसी तरह बिता के चले जा रहे हैं। अरे नहीं, भगवान के नाम के लिए भी हमें कुछ समय निकालना चाहिए, क्योंकि इन श्वासों का कोई पता नहीं अगला श्वास आना है कि नहीं आना। हम सोचते ही रह जाते हैं, सब काम करने के लिए हमारे पास समय है, इतने बजे इधर जाना है, उधर जाना है, उधर से ऐसे आना है, लेकिन भगवान के नाम के लिए हमने कभी ये सोचा नहीं है कि किस समय कौन सा समय रखना है भगवान के नाम के लिए भी। हम कहते हैं कोई बात नहीं, सुबह नहीं दोपहर को से दोपहर नहीं रात शाम को सही, शाम रात्रि को सही, अरे नहीं, मौत समय की प्रतीक्षा नहीं करती। पहला तो उन्होंने धन्यवाद करता है कि उन्होंने संगत को पानी के नाल जोड़िया, परिवार को बहुत बड़ा इस बाणी का सहारा मिलिया। इस तरह की दुखदाई खबर हर इंसान के मन से बड़ा वाला दुख लिया है, तो जेडे परिवार का ब्लड प्रेशर हो गए, तो इदा का परिवार हो गए कि जिस परिवार को परमात्मा ने हर तरह का नेक चीज दिता हो,
क्योंकि जो मैं भरा वालों देखता तो राम लक्ष्मण की जोड़ी 40 साल मैनू इन्हों के नाल हो गए। इन्हों के पिता जी 54 साल की उम्र एक्सपायर हो गए सी। इस तरह विनय हुई बहुत जल्दी टाइम तो पहला साढ़े विचों चले गए। मेरे ख्याल ये जिन्ना क दुख इन्हों हो उस तो ज़्यादा मैनू हो बड़िया थावां ते सानूं भोगां ते जाना पैंदा है। बड़िया थावां ते असीं बोलदे हां त्यार मेरे मन सी कि मैनू ना बुलाउण ते चंगा। मैं जिद्दन मैनू खबर आई है 10 बजे सवेरे ते पहला मैं अमरीता बेटी नाल गल कीती ना वो बोल सके ना मैं बोल सका तो रोई जाए तो मैं रोई जावा। एक चंगयाई दी गल है जो चंगा इंसान जाता तो बंदे मन को बड़ा वड्डा दुख पहुंचता है। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। नाभा के गांव रनो में पत्नी ने 3 साथियों सहित मिलकर पति की हत्या। पुलिस ने चारों आरोपियों को किया गिरफ्तार। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने अंतरराज्यीय नशा तस्कर गिरोह के 4 सदस्यों को किया काबू। 3,63,800 नशीली गोलियां और 4 लाख की ड्रग मनी की बरामद। डेरा प्रमुख समर्थक कत्लकांड में SIT ने नाभा नई जिला जेल का किया निरीक्षण। 1 घंटे तक की कत्ल के कारणों की जांच। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।